कुछ नहीं देखा, मुझे मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन तुमने तो फोन किया था। नहीं, मैंने मैंने कोई फोन नहीं किया था, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। बेटी लेकिन सर, क्या देखा तुमने? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? नहीं। इसे नहीं पहचानती? नहीं नहीं। इन्हें, ये इस इंस्पेक्टर की विधवा बीवी और ये तीन बच्चा है। इनकी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो कि तुम कुछ नहीं जानती। उस रात चंगेज लाला के जन्मदिन का जश्न था। भैया हमारे लाला का तो जवाब ही नहीं। चंगेज लाला के हाथों में शहर का मुकद्दर है, ये तो सारा शहर जानता है। लेकिन चंगेज लाला के हाथों में ये हुनर भी है, ये तो शायद हम जैसे कुछ करीबी दोस्त ही जानते हैं। बेशक पिछले तीन हफ्तों में शैतान चौकी पर तीन दुकानदारों का कत्ल, दो अखबार वाले दिन दहाड़े हाईवे के पास भून दिए गए, तेलक हाई स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रक से उड़ा दिया गया क्योंकि उसने चंगेज के गुंडों को स्कूल में घुसने से मना कर दिया था, ऐसे शानदार हाथ सचमुच तारीफ के काबिल हैं। ठहरो, ये इंस्पेक्टर हमारे मेहमान है और मेहमानों की इज्जत करना चंगेज लाला बखूबी जानता है। बंद करो ये मजाक चंगेज, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। तुम्हारी महफिल में आज शहर के तमाम जाने माने लोग इकट्ठा है, अब सबके सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। सबके सामने मेरा असली चेहरा दिखा दूंगी? ये सब मेरे असली चेहरे से वाकिफ है इंस्पेक्टर। क्यों मिश्रा जी, मेरा असली चेहरा जानते हैं ना? हाँ जी हाँ। जोशी, जोशी साहब जी, मेरा असली चेहरा यहाँ सब जानते हैं ना? साहब जी जानता हूँ, सब जानते हैं इंस्पेक्टर। जोशी तुम भी? हाँ साहब जी ये भी। इंस्पेक्टर ये सब मेरी हर बात से वाकिफ है लेकिन फिर भी चुप है, जानते हो क्यों? क्योंकि जो इनके लिए कोई नहीं कर सकता वो सिर्फ चंगेज लाला कर सकता है। अफसोस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए लाला, मैं नहीं जानता कि ये ऊंचे पढ़े लिखे और इज्जतदार लोग क्यों तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़े हैं, लेकिन एक सर तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा और वो सर मेरा है। जो सर मेरे आगे झुकता नहीं उसे मैं काट देता हूं इंस्पेक्टर। शायद तुम मुझे डराना चाहते हो लाला, लेकिन याद रखना मैंने अपने देश से वादा किया है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जुर्म और तुम जैसे जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी सांस तक? हाँ, तब तो तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। Ugh.
हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू जीती रहो। लाला की महफिल में इतने लोगों में से सिर्फ तुम्हारा ही जमीर जागा, वाह शाबाश बेटी। लेकिन फिर तुम जैसी नेक लड़की एक क्लब में मजबूरी थी, बहुत कोशिश की लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली, अनाथ हूं खुद का पेट पालने के लिए। आखिर मेरी आवाज ही काम आ सकी। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, हम हमारा फर्ज पूरा करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। क्या वो इंस्पेक्टर आने नहीं रहे? यानी एक ईमानदार बहादुर कानून पर कुर्बान हो जाने वाला कानून का मुहाफिज नहीं रहा? हाउ सैड। उसका कत्ल तूने किया है। मैंने? हमारे पास सबूत है। कैसा सबूत? चश्मदीद गवाह। इंस्पेक्टर सरकार तो तुम्हें सिर्फ वर्दी देती है, तनख्वाह देती है, लेकिन तुम जैसे इंस्पेक्टरों की बाकी की जरूरतें मैं पूरी करता हूं। इस जंग की हार जीत का फैसला तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये जंग सिर्फ चंगेज लाला और इंस्पेक्टर करण के बीच नहीं, ये जंग दहशत के निजाम और आवाम की ताकत के बीच है। हाथ बदल जाते हैं, हथियार वही रहते हैं, सीने बदल जाते हैं, आग वही रहती है। ये सिकंदर है, गुनहगारों की दुनिया में इसकी ताकत की मिसाल दी जाती है। मेरा बड़ा वफादार है, कुछ भी करना लेकिन लेकिन मुझे हाथ मत लगाना। जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है उसे चीर कर रख देता है। ये रहे एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स, अभी तो मेरे भाई को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। इंस्पेक्टर चंगेज लाला की ताकत, अब रहा सवाल तुम्हारे उस चश्मदीद गवाह का। मामला कोर्ट तक पहुंचने के लिए 25 दिन पड़े हैं, जरा देख कर तो आओ, तुम्हारे उस चश्मदीद गवाह के पास 25 सांसें भी बाकी हैं या नहीं। लाला, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीवारों पर फैला हुआ अंजलि, इसकी कुछ बूंदें तुम्हारे खूबसूरत जिस्म से निकली हुई भी हो सकती थी, लेकिन मैंने अगर तुम्हें इतनी आसानी से मार दिया तो फिर चंगेज लाला के नाम से पैदा होने वाली दहशत के गुण कौन गाएगा? मैं तुम्हें मारूंगा जरूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तुम एक चश्मदीद गवाह को, एक ऐसी लड़की जो चंगेज लाला जैसे मुजरिम के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत रखती है, कानून की हिफाजत से हटाकर कहीं दूर छिपा देना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो तुम? क्या ये कानून कमजोर है, नपुंसक है? वो एक मामूली मगर कीमती लड़की की हिफाजत नहीं कर सकता। वो एक मामूली लड़की नहीं है सर, और चंगेज लाला एक जख्मी शेर है जो किसी भी वक्त किसी भी जगह वार कर सकता है, और मैं शिकारी को शिकार तक पहुंचने नहीं दूंगा।
करण ठीक कहता सर। लेकिन ऐसी कौन सी जगह छिपाओगे जहां लाला की ताकत ना पहुंच सके। ऐसी एक जगह है सर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी एक अजनबी आदमी के साथ। 25 दिन और रातें तो दूर, मैं एक रात भी नहीं गुजारूंगी। बेशक वो तुम्हारे लिए अजनबी होगा, लेकिन करण हमारे पुलिस फोर्स का सबसे भरोसेमंद और बलवान पुलिस ऑफिसर है। यहां तुम्हारी जान खतरे में है अंजलि, लेकिन करण तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां लाला और उसके आदमी कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और जब कोर्ट की तारीख नजदीक आएगी वो तुम्हें सही सलामत शहर वापस ले आएगा। ना। प्लीज अंजलि, तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज